अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक रणनीतिकार ये दावा करके कहे कि इस बार हम बिहार में वो आइडिया लाए हैं, या फिर किसी भी प्रदेश में बात करूं, कि सरकार इस बार हम इतने बहुमत से बना रहे हैं जितना आज तक बिहार में नहीं हुआ। मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज पदयात्रा पर है और प्रशांत किशोर ने दावा करके कहा है कि 140 से अधिक सीटें जीतूंगा, 243 से एक सीट कम भी नहीं लड़ूंगा। सबसे ज्यादा निशाने पर आप हैं, आरजेडी है, फिर जेडीयू और बीजेपी है। पहली बात तो मैं कोई रणनीतिकार नहीं हूँ, एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता ठीक हूँ। है, दूसरी बात, अब पता नहीं वो एनजीओ है या पॉलिटिकल पार्टी है जिसका आप जिक्र कर अभी तो रहे हैं। एनजीओ है, पॉलिटिकल पार्टी बनने एनजीओ, वाली है। हाँ अब एक एनजीओ जिसका ना कोई विधायक है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई सांसद है, जिसने ना जीवन में उस पार्टी ने कभी कोई चुनाव लड़ा, ठीक है, और वो व्यक्ति या एनजीओ या कोई भी संगठन हो, वो ये कहे कि हम ऐसे ऐसे सरकार बना लेंगे, तो ये स्वयं को भ्रमित करना, या दो ही विषय हो सकते हैं, या तो आप समझते हैं कि आप इस ग्रह के जीव नहीं हैं, आप किसी दूसरे ग्रह से गोला सीधा से लैंड आए। किए हैं, है ना, तो या तो आप सबको मूर्ख समझते हैं, 14 करोड़ लोगों को, या जो 8-10 करोड़ जो भी मतदाता है उनको, या फिर आप स्वयं ऐसा हैं। मतलब किसी को आप मोटिवेट भी कर रहे हैं अपने काडर को, करना भी चाहिए, हर दल करता है। जैसे अभी बीजेपी वाले कह रहे थे 400 सीट जीतेंगे, उसमें यही माशा है, यही माशा एग्जैक्ट पोल के दिन कह रहे थे कि 350 से एक भी सीट कम आ जाएगी तो हम अपना काम धंधा छोड़ देंगे। हर चुनाव में इनकी भदपिटती है, उसके बाद बोलते हैं कि हमें माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई। ऐसे ये होएगा, एक सीट आएगी नहीं, बोलेंगे मैं माफ़ी मांगता हूँ। होता क्या है ना, जो आदमी कैपिटल में ज़्यादा घुस जाता है ना, अब उसको चाहूँ और वही चीज़ दिखाई देती है। बिहार को प्रयोगशाला बीजेपी समझती है, बीच के चुनाव में कुछ और दो तीन ऐसे ग्रुप्स, सब ग्रुप्स बना के छोड़ देती कि जाओ इसके वोट काटो। तो 20 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, मैं 20 के चुनाव में नीतीश भी, कुमार के खिलाफ चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा आरजेडी के भी, खिलाफ ओवैसी अरे को लेकर आरजेडी, बात कर रहे हैं। आरजेडी के खिलाफ और भी दल थे मैं तो वही जिनको पूछ रहा जिनको हूँ, हेलीकॉप्टर भी पप्पू मिलता यादव की बात है, कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर मिलता है, संसाधन नहीं नहीं मिलता आप है, खुल और के बोलिए ना। लेकिन लेकिन देखिए, हाँ ये आयरनी है, विडंबना है। फिर वही, आप एक ढर्रा देखिए ना, उस वो राजनीतिक संस्कृति देखिए। ऐसे लोग वो चुनाव लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सवाल सत्ता से नहीं करते। जो जो ऐसे जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, 20 के चुनाव से पहले भी, वो लोग तेजस्वी यादव और आरजेडी से सवाल करते हैं। वो सही है, सत्ता से नहीं कहेंगे कि भाई ये 15 साल से सत्ता में, इन्होंने इसकी हिस्सेदारी दी या नहीं दी, इन्होंने कितनी नौकरी दी, कितना रोजगार दिया, कितने सड़क बनाए, कितने पुल बनवाए, कितने यहाँ के युवाओं को ये दिया, कितने उद्योग लगवाए, नहीं, उस पर बात नहीं होगी। वो बात करेंगे, वही जुबान वही होती है, वहाँ से स्क्रिप्ट लिख के आती है, क्योंकि अगर वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट जो ये पढ़ेंगे उसी पे तो ना तेल पानी मिलेगा, कौन दे रहा है तेल पानी, बीजेपी ऑब्वियसली। प्रशांत किशोर को। व्यक्ति विशेष का मैं क्या जिक्र करूँ, मैंने तो 20 का भी आपको उदाहरण दिया। अच्छा, ऐसी मैं चीज़ें, 25 की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही ढर्रा समझ रहा हूँ ना, आप खाली हाँ 25 तक अपने आप को लिमिट मत कीजिए। ठीक है, आप 20 के चुनाव से 1-1.5 साल पहले क्या सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम होता है, कैसे कैसे दल और ग्रुप बनते हैं, और अभी भी जैसे 25 के चुनाव से पहले मैंने कहा, ये दावा कि 243 में से मैं 243 या इतनी सीटें जीतेंगे, ये दावा तो ना नीतीश कुमार कर सकते हैं, ना लालू यादव कर सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, समझे ना। हाँ तो ये दावा तो मैंने वही कहा ना कि कोई अलग ही ग्रह से कोई जीव आया हो तो वही कर सकता है। आप उन्हें प्रशांत पांडे क्यों कहते हैं, हमने तो नहीं कहा, आपकी पार्टी ने कहा,
अब नाम होगा तो उस नाम से भी नहीं पुकारेंगे, अगर आपको उस नाम से नहीं पुकारेंगे तो फिर आप हो जाएंगे। अब जिसका जो नाम होगा हाँ या किसी ने कहीं लिखा पढ़ा देखा होगा तो कोई बोलता होगा।